أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. अज़ीज़ तलबा, ये सूरतुल लैल है और सूरतुल लैल की तकरीबन 10 आयतों का तर्जमा और उसकी तशरीह कल के दर्स में की गई थी। आज इंशाअल्लाह उसके आगे आयत नंबर 11 से उसकी तशरीह की जाएगी। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि इससे पहले आयत में अल्लाह ने फरमाया था कि जिसने अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में खर्च किया उससे डरा और नेक बातों की तस्दीक की तो हम उसके लिए उसके नेक कामों को आसान कर देते हैं, ये बात आई थी। और इस तरीके से जिसने बखीली की और अपने आप को हर चीज़ से बेनियाज समझा और इस तरीके से उसने नेकियों को झुठलाया, हुसना से मुराद मैंने बताया था नेकी, नेकियों को झुठलाया, तो हम उसके लिए उसके परेशानी को, उसके तकलीफ को, उसके तंगी को हम भी आसान कर देते हैं ताकि वो गुनाहों पे गुनाह करता जाए। आगे अल्लाह फरमा रहा है वमा युगनी अनहो मालहू इदा तरद्दा, क्या मतलब इसका हुआ? कह रहे हैं कि और उसका माल उसको बेनियाज नहीं करेगा, उसका माल उसको बेनियाज नहीं करेगा। कब नहीं बेनियाज करेगा? हाँ, इदा तरद्दा, जब वो जहन्नम में औंधा गिरेगा, जब जहन्नम में मुंह के बल जब जाएगा तो उसका माल उसे बेनियाज नहीं करेगा, उसका माल उसे बचाएगा नहीं। गना यखनी के माने बेनियाज करना, तरद्दा, तरद्दा से मुराद यह है कि जहन्नम में औंधे मुंह यानी मुंह के बल गिरना, जब जहन्नम में, ये रुसवाई के लिए कहा जा रहा है, वरना जहन्नम में वैसे भी अल्लाह डाल सकता है काफिरों मुशरिकों को, गुनहगारों को, लेकिन यहां ये कहते कि मुंह के बल, तो इससे उसकी और रुसवाई और जिल्लत ख्वारी मुराद है कि जब वो जलील और रुसवा होकर के मुंह के बल जहन्नम में गिरेगा तो वो माल उसे उसको नहीं बचाएगा जिस माल को इकट्ठा करके रखा था, उसको खर्च करने में बखीली की थी और किसी को दिया नहीं। हाँ बच्चे, बात ना करो बेटा, क्यों बात कर रहे हो, सुनो गौर से, बोलो ना, खाली सुनो। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अलैना लल्हुदा, बेशक अलैना हमारे ऊपर, अलैना हमारे ऊपर मुराद है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लल्हुदा हिदायत के लिए, यानी उनको हिदायत देना ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमने उनको हिदायत नहीं दी तो हिदायत नहीं पा सकते हैं। इन अलैना लल्हुदा, बेशक हमारे ऊपर उनका हिदायत है, यानी हुदा हिदायत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। व इन लना लल आखिरत वल उला, आखिरत और उला ये दो लफ्ज इससे पहले भी गुजर चुके हैं जिसके माने में
जिसके बारे में आपको इसका माना बताया गया था, शायद आपको याद है या आप भूल गए हो। इन लना, बेशक हमारे लिए दुनिया और आखिरत है। उला से मुराद दुनिया है, यानी जो पहली जिंदगी है उसे उला कहते हैं, और आखिरी जिंदगी जिसे हम आखिरत कहते हैं उसे आखिरत कहा गया है। इन लना लल आखिरत वल उला, बेशक हमारे लिए दुनिया और आखिरत की जिंदगी है, यानी दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी उसका मालिक मैं ही हूं और कोई नहीं है। अल्लाह का फरमान है, फअंधरतुकुम नारं तलज्जा, फअंधरतुकुम अंजरा यंजरु इंजार के माने आगाह करना, डराना, ये माने में इस्तेमाल होता है। तलज्जा, लजा के माने होते हैं जोश मारना, ये जहन्नम के बारे में बताया गया है। लजा के माने शोला और जोश मारना। फअंधरतुकुम, पस मैं तुम्हें डरा रहा हूं नारन उस आग से। किस आग से? हाँ,